शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और अत्यंत दयावान है। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, आज की हमारी ख़ास पेशकश इस्लाम क्या कहता है में हम बात करेंगे जिनों के बारे में। जिन कौन हैं? अल्लाह ताला की तमाम मखलूकों में से एक मखलूक जिन भी है जो आग से पैदा की गई है। अल्लाह ताला ने जिन को ये इख्तियार दिया है कि वो कोई भी शक्ल इख्तियार कर ले और रफ्तार इतनी तेज़ है कि एक मिनट में हज़ारों मील का सफ़र तय कर लेते हैं। जिन्नात एक गायब मखलूक है जो आम इंसानों को दिखाई नहीं देती। जिन्नात को जुमेरात के दिन पैदा किया गया, इसके वजूद का इनकार करना कुफ्र है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वखलकल जान मिन मारिज मिन नार, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों को नूर से और जिनों को आग से पैदा किया गया और आदम को उस चीज़ से पैदा किया गया जो तुम्हारे लिए बयान कर दी गई है, यानी मिट्टी से। जिन्नातों की बहुत सी किस्में हैं। जो जिन अपनी असली शक्ल में होते हैं उसे जिन्नी कहा जाता है। जो जिन इंसानों के साथ रहते हैं उन्हें आमिर कहा जाता है। जो बच्चों को तकलीफ़ देने वाले जिन हैं उन्हें अरवाह कहते हैं। वो जिन जो बुरे और बदअमल होते हैं उसे शैतान कहते हैं। वो जिन जो बैतुल खला में रहते हैं उन्हें खबीस कहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात इस ज़मीन पर रिहाइश वज़ीर थे। आहिस्ता आहिस्ता फ़िरको फजूर में मुब्तला हो गए। वो फितना फसाद में पड़ गए, नाहक खून बहाने लगे। फिर अल्लाह ने फरिश्तों का लश्कर भेजा, उनसे जिन्नात की ज़बरदस्त मारका आराई हुई और फरिश्तों ने जिन्नातों को तहस नहस कर दिया और वो समंदर के जाज़ीरों पे पनाह लेने को मजबूर हो गए। इंसानों की तरह जिन्नों में भी मुसलमान और काफिर होते हैं, यानी नेक जिन नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, और जो बद मजहब होते हैं वो सरकश और फितनों फसाद करते फिरते हैं। बद मजहब जिन की तादाद नेक के बनिस्बत ज़्यादा है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई शख्स तुम में से हड्डी से इस्तिंजा ना करे इसलिए कि मेरे पास कुछ जिन आए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मतियों से कहो कि हड्डी से तहारत ना करे, क्योंकि जो जानवर जिस पर अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा किया जाता है उसकी हड्डी हमारे लिए गोश्त बना दी गई है। हदीस से मालूम हुआ है कि जिन्नातों का खाना हड्डी है और इससे इस्तिंजा या तहारत करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ाए हाजत के लिए कुछ दूर तशरीफ़ ले गए कि वहीं से कुछ आवाज़ें आने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो सहाबाओं ने पूछा कि वह आवाज़ें कैसी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो जिन्नों की जमात रहने के लिए आपस में झगड़ रही थी और वह सब मेरे पास फैसला करने के लिए आए, तो मैंने नेक जिन्नों को पहाड़ पर रहने का हुक्म दिया और जो बुरे और सरकश थे उन्हें निचली जगह में रहने को कहा। जिन्नों का ठिकाना जंजीरों या ऐसी जगह जहाँ आबादी ना हो, जैसे खंडर और पुराने टीले वगैरह। जिन्नातों के बारे में यह अकीदा रखना कि वो गैब की बातें जानते हैं कुफ्र और शिर्क है, और इससे मदद मांगना भी जायज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया है, फिर जब हमने उन पर मौत का हुक्म भेज दिया तो उनकी खबर जिन्नात को किसी ने ना दी सिवाय धुन के कीड़े के जो उनकी असा को खा रहे थे। बस जब सुलेमान गिर पड़े उस वक्त जिन्नातों ने जान लिया कि अगर वो गैबदान होते तो जिल्लत के अजाब में मुब्तला ना रहते। अल्लाह ताला के यहाँ जिन्नातों का भी हिसाब होगा।
अल्लाह का इरशाद है, मैंने जिन्नात और इंसान को महज इसलिए पैदा किया है कि वह सिर्फ़ मेरी इबादत करे। इंसान और जिन ऐसे दो मखलूक है जिनसे क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब लेगा कि दुनिया में क्या करके आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान और जिन्नातों को ये इख्तियार दे रखा है कि दुनिया में नेकी या बुराई करे, फिर नेकी करता है तो उसका बदला अच्छा होगा और अगर नाफरमानी की होगी तो उसकी सख्त सज़ा मिलेगी। आज की इस ख़ास पेशकश में बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे इस्लाम से मुतालिक कोई और मालूमात को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।